नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन को लेकर जो धरना चल रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस चल रहा है, उसको लेकर मेजर जनरल सतबीर सिंह ने अपडेट दी है। और जो इस मोदी सरकार के द्वारा वादा किया गया था वन रैंक वन पेंशन का नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो उसको लेकर भी यहाँ पर मेजर जनरल सतबीर सिंह ने बिल्कुल यहाँ पर बड़ा खुलासा किया है कि किस प्रकार से सत्ता में आने से पहले मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन देने के सपने दिलाए थे, लेकिन अब जो मोदी सरकार किस तरह से सुनवाई तक नहीं कर रही है, आपको पूरी वीडियो में मैं दिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैनिक परिवार के सभी सदस्यों और देशवासियों, 19 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी में अपने भाषण में वन रैंक वन पेंशन के बारे में जो बात करी, उसके बारे में मैं आज कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं। साथियों, प्रधानमंत्री जी ने फिर एक बार वन रैंक वन पेंशन देने का वायदा जो उन्होंने कर रखा था, उसके बारे में फिर बोला कि हमने वन रैंक वन पेंशन अपने सैनिकों को दे दी है। उससे थोड़े दिन पहले ही नड्डा साहब ने भी चंडीगढ़ में यही बोला और अगले दिन मैंने एक वीडियो से सबको जानकारी दी कि जो सरकार ने लागू किया है वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है, वो केवल वन टाइम इंक्रीज इन पेंशन है। साथियों, प्रधानमंत्री जी कई बार पहले भी बोलते रहे कि उन्होंने वन रैंक वन पेंशन उनकी गवर्नमेंट ने दे दिया। एक दो बार उन्होंने जरूर बोला कि कुछ त्रुटियां रह गई हैं। साथियों, फिर सैनिकों को रिवाड़ी में उन्होंने बताया कि हमने वन रैंक वन पेंशन दे दिया। मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी वो कहें देशवासियों को, वो फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। यस, प्रधानमंत्री जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने और आपकी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया, लेकिन जब लागू करने लगे 7 नवंबर 2015 को, उसमें बहुत सी त्रुटियां रख दी और जो त्रुटियां डाली गई उससे वो वन रैंक वन पेंशन नहीं रह जाता। एट द मोस्ट हम उसे एक रैंक पांच पेंशन कह सकते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि उसमें त्रुटियां थी, हमने केस सुप्रीम कोर्ट में डाला और हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हुआ। 1 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को अपने ऑर्डर्स में बताया कि एमओडी ये जो त्रुटियां हैं, अनोमलीज, उनको कंसिडर करके जहां तक हो सके दूर करने की कोशिश करें। अभी तक सरकार ने उन त्रुटियों को दूर नहीं किया। प्रधानमंत्री जी, मेहरबानी करके आप जो ओआरओपी के आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें जो गलतियां हैं, उन गलतियों को जल्दी से दूर कर हमें पूर्ण रूप से वन रैंक वन पेंशन दीजिए। हम आपके बहुत ही धन्यवाद होंगे। आपका यह वायदा था इसी जगह पे, रेवाड़ी पे, 15 सितंबर 2013 को, और फिर आपने यहां दोहराया कि आपने दे दिया। हमें थोड़ा सा दुख होता है कि आपने हमें पूर्ण रूप से वन रैंक वन पेंशन नहीं दी। आप जल्दी से जल्दी वन रैंक वन पेंशन की सभी त्रुटियों को दूर करके असली वाली वन रैंक वन पेंशन दीजिए। पूरा सैनिक परिवार आपका दिल तहे से शुक्रिया करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।